फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ आपकी दोस्त अनीता। तो आज मैं क्लीनिंग कर रही हूँ अपने किचन की। सो फुल क्लीनिंग तो कर नहीं रही हूँ, तो ये जो मेरे किचन है अभी फुल तैयार नहीं है ये, तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके मुझे एडजस्ट करना पड़ता है। तो अभी मैंने फ़िलहाल जाली रखी हुई है, जैसे दूध वगैरह रखने के लिए कि कहीं बिल्ली वगैरह ना आ जाए और कोई नुकसान ना कर दे। तो अभी हमारे किचन पे जो है गेट नहीं लगे हुए हैं, तो पता नहीं क्यों मुझे जो हमारी जाली है उसमें से महक सी आ रही थी जैसे सीलन वगैरह की। तो मैंने सोचा इसको एकदम खाली करके और क्यों ना इसकी अच्छी तरह दोबारा से सफाई कर दी जाए। और मैंने जाली की सफाई कर दी है और जो जाली का सामान है वो जाली में रख दिया है। और ये मेरे पास 2-3 बर्तन में दूध रखा हुआ था, जैसे थोड़ा थोड़ा बच जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज बच्चों के लिए हलवा बना दूँ, एक जगह कर दूँ और इसको ख़त्म कर दूँ। तो मैंने सारा दूध एक कढ़ाई में कर दिया है, सारे बर्तन खाली कर दिए हैं। और ऐसे बर्तन अगर भरे हुए रखे रहते हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ों से, तो वो भीड़ ही करते रहते हैं और कितनी बार चीज़ें भी याद नहीं रहती है और वो ख़राब हो जाती है, फिर फेंकनी पड़ती है, तो फ़ायदा कुछ नहीं होता है। तो मुझे थोड़ी थोड़ी सेटिंग को चेंज करते रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं अपने घर में थोड़ी थोड़ी सेटिंग जो मुझसे हो पाती है, जैसे बर्तन का जैसे ये टोकरा ही है, कभी मैं जाली पे रख देती हूँ और कभी जहाँ मेरा मन करता है, जहाँ सही एडजस्ट लगता है मुझे, मैं वहाँ पे जो है इसकी सेटिंग कर देती हूँ। और ऐसा करने से क्या होता है कि एक ही जगह रखा रखा सामान भी जो है उसके नीचे बहुत धूल मिट्टी डस्ट वगैरह जो जम जाती है वो भी नहीं जमती है, और जो है सफाई भी होती रहती है पूरे घर की। तो मैं एक एक करके जो बड़े बड़े बर्तन हैं वो मैं इस टोकरे में रख लेती हूँ, और जो छोटे छोटे बर्तन हैं, थाली है, प्लेट है, ग्लास वगैरह होते हैं, वो मैं बर्तनों की जो ट्रॉली होती है उसी में ही रखना ज़्यादा पसंद करती हूँ। और जो लंच बॉक्स वगैरह है उनको एक तरफ रख देती हूँ, ताकि ज़रूरत पड़ने पर मुझे भी इधर उधर ना ढूँढने पड़े। तो लगी हुई हूँ थोड़ा सा, और मुझे शाम का जो है डिनर भी बनाना है। तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से निमट जाए काम तो अच्छा ही है, अभी मुझे बर्तन भी बहुत सारे धोने हैं। तो जब आप जो है, वैसे हमारा घर क्लीन दिखाई देता रहता है, लेकिन अगर हम सफाई करने लग जाए तो पता नहीं इधर उधर से कहाँ कहाँ से न जाने दुनिया भर का काम आ जाता है और छोटे मोटे बर्तन भी आ जाते हैं, और बस फिर उनको निपटाना मुश्किल हो जाता है। और अब मेरे पास टाइम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा काम है मेरे पास, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से ये काम निमट जाए। मैंने एक एक करके सारे बर्तन लगा दिए हैं, और ये जो बर्तन आप देख रहे हो ये मुझे अभी साफ़ करने हैं और फिर स्टैंड में भी लगाने हैं। और मेरा क्या है कि चाहे डब्बे हो या कोई भी बर्तन हो, मैं इकट्ठा काम नहीं करती हूँ, जो थोड़ा थोड़ा होता रहता है मैं करती रहती हूँ। और जो है मैंने सामान की सेटिंग थोड़ी थोड़ी कर दी है, और ये जो नीचे जाली के जो 2-3 खाने दिखाई दे रहे हैं, मैं इनमें अपने जो दूध वगैरह रख लेती हूँ। तो बर्तनों को इस तरह से रखने से बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है और हमें काम करने में कंफर्टेबल भी महसूस होता है। सो मैं इन बर्तनों को भी साफ़ करके वापस स्टैंड में लगा लूँगी। और अब हो चुका है नेक्स्ट डे, तो आज मैं सोच रही हूँ कि लंच में क्या बनाऊँ। तो मैंने सोचा चलिए आज मैं जो मसूर की बारीक वाली दाल होती है उसको बना लेती हूँ। और ये दाल खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, और न जाने कि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा लगती है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको एक डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। तो मैंने दाल को धो लिया है अच्छी तरह से, और जितना मुझे पानी रखना है रख लिया है। और इस दाल की खास बात ये होती है कि आप इसको जितना चाह इतना पतला कर सकते हो, ये ऐसे जैसे चम्मच से खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। सो मैं तो ज़्यादा पतली दाल बनाऊँगी नहीं आज, क्योंकि मेरा बेटा ज़्यादा पतली दाल पसंद नहीं करता है, तो थोड़ी सी थिक इसको थिक ही रखूँगी। तो मैंने उसमें हल्दी, नमक, मिर्च और हींग डालकर रख दिया है। अब मैं इसका तड़का लगाने के लिए सामान तैयार कर लेती हूँ। तो लहसुन, अदरक और प्याज, और आप चाहे तो टमाटर छोंक के साथ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं दिखाना आपको भूल गई हूँ, तो मैंने टमाटर काट के दाल में ही डाल दिए थे। और दोपहर का टाइम हो रहा है, तो मैं ले रही हूँ थोड़ा सा एलोवेरा जूस। तो थोड़ा सा गुनगुना पानी लेती हूँ, गुनगुने से थोड़ा सा ज़्यादा, और उसमें जूस डाल लेती हूँ, तो पानी का टेम्परेचर नॉर्मल सा ही हो जाता है, हल्का सा गुनगुना हो जाता है। और मैंने इधर दाल को छोंकने के लिए सारा सामान भी रेडी कर लिया है।
एक प्याज काट ली है और खूब सारा लहसुन काट लिया है। इसमें लहसुन का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये जो बोतल है इसका जो लीड है बहुत टाइट हो जाता है जब मैं इसमें लगाती हूँ, फिर ये खुलना मुश्किल हो जाता है। तो मैं 30 ml के करीब ले लेती हूँ एलोवेरा जूस। लेकिन अगर आप भी इस तरह से जूस ले तो आप ध्यान रखें कि मैं मुझसे गलती से पानी में गिर गया था, इसका जो ढक्कन था वो पानी में नहीं गिरना चाहिए। अगर जूस में मॉइस्चर पहुंच गया तो जूस बहुत जल्दी करके ख़राब हो जाएगा। और एक तरफ मैंने चढ़ा दिया है दाल में तड़का लगाने के लिए फ्राई पैन, और दूसरी तरफ दाल भी लगभग में बन ही चुकी है। तो मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया था, तेल डालने के बाद मैंने लहसुन प्याज डाल दिया है। तो उसको अच्छी तरह से मैं फ्राई कर लेती हूँ, यानी तड़का बना लेती हूँ गोल्डन ब्राउन होने तक। और साथ ही साथ मैं अपना पानी भी पी रही हूँ जो एलोवेरा जेल वाला है। और आप देख सकते हैं कि जो हमारा तड़का है वो गोल्डन ब्राउन कलर का हो चुका है। तो इससे ज़्यादा करो आप तड़का लगाओगे तो वो जल जाएगा और खाने में भी कड़वा कड़वा लगेगा, तो उसका स्वाद नहीं रहता है। तो तड़का अच्छी तरह से रेडी हो चुका है और मैंने ये दाल में डाल दिया है। और दाल में डलते के साथ ही पूरे घर में बहुत अच्छी खुशबू फैल गई है, और इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है जब लहसुन वाला हम तड़का लगाते हैं। ये देखिए, और अब मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा ऊपर का हालचाल। तो ये मैंने परसों नहीं, कल दोपहर में, यानी कि वेडनेसडे की दोपहर में हल्की हल्की सी हवाएं चली थी, तो मैंने दोनों बेडशीट धोई हुई थी। ये सूखी नहीं थी, लेकिन जैसे ही ये सूखी तो थोड़ी देर बाद बारिश होने लगी और मुझे पता नहीं लगा था वापस से गीली हो गई। तो मैंने रात में उतारी नहीं थी, और आज भगवान का लाख लाख शुक्र है कि थोड़ी सी धूप निकल चुकी है, तो हवा भी चल रही है और बेड शीट भी दोनों सूख चुकी है। और तीसरी जो चादर है वो वैसे ही गर्मी वाली ओढ़ने वाली है, तो वो भी सूख चुकी है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना फिर थोड़ा सा मौसम का आनंद ले लिया जाए। और बड़े दिनों के बाद आज धूप निकली है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, ऊपर बैठने का मन कर रहा है। तो मैं फटाफट से ज़रा नीचे का काम निपटा के आती हूँ और फिर ऊपर धूप में बैठूँगी, थोड़ा सा धूप का आनंद लूँगी। और ये देखिए, हमारे जो घर के पीछे जंगल है, मैंने आपको पहले भी बताया है, लोगों ने खेतों में गेहूँ बोए हुए हैं, गन्ने बोए हुए हैं। और ये जो आपको एक घर दिखाई दे रहा है जहाँ पे एक छोटी सी गाय दिखाई दे रही है, तो ये काफ़ी दूर हो रहा है, तो मैं आपको कोई दिखाती हूँ। ये है एक अम्मा जी, यहाँ पे लगी हुई है, जो कैमरे में नहीं आ रही है। तो बहुत अच्छी है वो, हमसे जैसे आते जाते हंसी मजाक करती रहती है। और इनके जो बेटे थे उनका नाम था पंकज राजपूत, तो वो आर्मी में थे, तो जो शायद जब आर्मी में थे वे तो शहीद हो चुके हैं। और इनकी जो है हमारे यहाँ पे समाधि भी है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे इस परिवार की रेस्पेक्ट करना। सो फ्रेंड, बस आज का मेरा ये छोटा सा व्लॉग था। और ये मैं आपको पेड़ दिखा रही हूँ कि इसके पत्ते सारे झड़ चुके हैं और हमारी पूरी छत पे फैले रहते हैं, जैसे कि अब फैल रहे हैं। डेली डेली झाड़ू लगाते लेकिन फिर भी इतने बुरा हो जाती है पूरी पूरी छत, मानो बहुत दिन हो चुके हैं झाड़ू लगाओ। सो फ्रेंड, बस यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल।